अन्योन्याश्य नमस्कार, स्वागत है आपका लेसन 16 के लर्न कोरियन इजीली क्लियरली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लेसन 16 है, हमारा पार्ट 16 है, उसमें हम नाउन प्रेडिकेट के जो वाक्य है वो बनाने सीखेंगे। व्याकरण है ईदा। ये उन छात्रों के लिए मैसेज है जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं। कनेक्टेड सीरीज है, आपको समझने के लिए पीछे जो प्रीवियस लेक्चर से अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। पार्ट 16 को आप शुरू करते हैं। हम व्याकरण ईदा आज सीखने जा रहे हैं। इस पाठ का अगर आप उद्देश्य देखेंगे, आज हम प्रश्नवाचक वाक्य और घोषणात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में हम इम निक्का जोड़ते हैं और घोषणात्मक वाक्यों में हम इम निदा जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखिए आगे। इस कन्वर्सेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। पहला वाक्य देखिए, अन्योन्याश्य निक्का ईशानी निदा। उसके बाद दूसरे वाक्य में मिंसू ने रिप्लाई करा, अन्योन्याश्य निक्का मिंसू निदा। इस वाक्य में जो ये इम्निदा इम्निदा जोड़ा गया है ना, ये देखिए नाम के साथ में जोड़ा गया है और ये वही व्याकरण है ईदा। अब ये ईदा इम्निदा में कैसे बदल जाती है, इसको अभी हम देखने से पहले ये देखिए, इस व्याकरण का यूज क्या है, कौन से वाक्य बनते हैं। इस व्याकरण से जो वाक्य बनते हैं उनका समान हिंदी अर्थ आप देख सकते हैं, हूं और होना है। और देखिए आगे, और इस व्याकरण को यूज करने से पहले जब हम इससे कोई वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ईदा में से डा को हटा देना, डा को हटा देना, तो ई बचेगा। और इस ई को हम देख रहे हैं, आप पहला पॉइंट देखिए, इम निक्का में बदल गया है। देखिए ग्रामर ईदा है, लेकिन ईदा ऐसे ही यूज नहीं होगी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, इसको बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा, पहला तो पॉइंट बन गया इम निक्का प्रश्न पूछने के लिए, और दूसरा पॉइंट है इम निदा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दोबारा समझिए इसको, देखिए ग्रामर तो है ईदा, ईदा से जो सेंटेंस है वो नहीं बनाए जा सकते। ईदा बदल जाता है इम निक्का में प्रश्न पूछने के लिए और बदल जाता है इम निदा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और जो इस व्याकरण का जो मतलब है, कैसे मतलब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो देखिए। आप जानते हैं नाउन के साथ में जोड़ा जाता है, ये खाली नाउन के साथ में जोड़ा जाएगा। नाउन संज्ञा इमनिका का मीनिंग जो है, क्या ये संज्ञा है, कोई भी हो सकती है प्रश्न पूछने के लिए। और ऐसे ही नाउन इमनिदा ये संज्ञा है उत्तर देने के लिए। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, ईदा कैसे बदल गया, नाउन इमनिका में और नाउन इमनिदा में। और इस ईदा को, ईदा व्याकरण को जो यूज करने के जो कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसमें पहला आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आप पहली ग्रामर आज हम शुरू कर रहे हैं, पहले दिन से ही आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि कोरियन में हर ग्रामर में पहली लाइन में लिखा हुआ होता है कि ये नाउन के साथ में यूज होगी, वर्ब के साथ में यूज होगी, एडजेक्टिव के साथ में यूज होगी, या तीनों के साथ में यूज होगी, या इनमें से किसी दो के साथ में यूज होगी। तो ये जो ईदा जो व्याकरण है, ये खाली और खाली किसके साथ में, संज्ञा के साथ में यूज होगी। कभी भी इसको वर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ में यूज मत करिएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। रूल नंबर वन क्लियर हो गया। हाँ, सिर्फ संज्ञा के साथ में,
और दूसरा रूल जो है, देखिए कोरियन भाषा में ना कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल आपने देख लिया, ये नाउन वर्ब्स और एडजेक्टिव वाला क्या होता है। दूसरा ये क्या होता है, संज्ञा स्वर या व्यंजन में समाप्त होती है, तो दोनों ही परिस्थितियों में प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए इम्निका जोड़ा जाएगा, घोषणात्मक वाक्यों के लिए इम्निदा जोड़ा जाएगा। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये संज्ञा स्वर या व्यंजन में समाप्त होती है, इसका मतलब होता क्या है। देखिए आगे, पहले इसको समझिए। कोरियन भाषा का कोई भी शब्द आप देखिए, कोई भी शब्द देखिए, ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है, ये लिखा हुआ है उइजा। उइजा का मतलब होता है कुर्सी। इस शब्द को, इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, उइजा। उइजा के अंदर दो सिलेबल हैं और जो लास्ट सिलेबल, इसमें दूसरा सिलेबल है, वो है जा। जा के नीचे कोई पाचिम है नहीं है, ये होता है मतलब। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, छेकसांग। छेकसांग का मीनिंग आप जानते हैं, मेज होता है, डेस्क। इसका दूसरा लास्ट सिलेबल देखिए, सांग। इसमें नीचे पाचिम है ना, हाँ ये अंग है। ये मतलब होता है कि संज्ञा किसी स्वर में समाप्त हो रही है, व्यंजन में समाप्त हो रही है, उसका मतलब क्या है। स्वर में समाप्त होने का मतलब यह है कि उसमें पाचिम नहीं है, और व्यंजन में समाप्त होने का मतलब क्या है कि उसमें पाचिम है। आगे देखिए और क्लैरिटी के लिए। अब देखिए कि इस ग्रामर को जब हम यूज करते हैं ना, तो ये जोड़ी जाती है संज्ञा के साथ में, बीच में कोई गैप मत रखिएगा। हाँ ऐसे नहीं बोलना, उइजा एक स्पेस, इम्निका नहीं। उइजा और इम्निका को जोड़ दीजिए, उइजा इम्निदा को जोड़ दीजिए, बीच में कोई गैप नहीं रखना है आपको। और अब उस सेंटेंस बनाते हैं, कैसे ग्रामर को यूज करना है। पहला उदाहरण देखिए आप, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए इम्निका जोड़ना है सब में। उइजा नाउन है, संज्ञा है, उसके साथ में इम्निका जोड़ा, उइजा इम्निका। उइजा इम्निका, इसका मीनिंग है क्या ये कुर्सी है। दूसरा उदाहरण देखिए, छेकसांग। छेकसांग भी एक संज्ञा है, उसके साथ में इम्निका जोड़ी है प्रश्न बनाने के लिए, छेकसांग इम्निका। छेकसांग इम्निका, क्या ये मेज है, ऐसे प्रश्न बनाने हैं। और आगे देखिए, अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। देखिए सेम ही ग्रामर यूज होगी, इम्निका बस इम्निदा में बदल जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, उइजा है, उसके साथ में इम्निदा जुड़ा हुआ है, उइजा इम्निदा, ये कुर्सी है। दूसरा देखिए आप, छेकसांग के साथ में इम्निदा जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, बीच में स्पेस मत रखिएगा, गैप मत रखिएगा, छेकसांग इम्निदा, ये मेज है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे इम्निका से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इम्निदा से आंसर दिए जाते हैं। सिर्फ नाउन के साथ में जोड़ी जाती है ये ग्रामर, ध्यान से देखिए, छेकसांग इम्निका। छेकसांग इम्निका, ये मेज है, आंसर आया छेकसांग इम्निदा, ये मेज है। ऐसे प्रश्न पूछने हैं और उत्तर देना है। अब ये ग्रामर तो हमने कर ली, अब इसको क्या करते हैं, इस व्याकरण को और डिटेल में समझने के लिए ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वाक्य बनाते हैं। कैसे बनाने हैं, पहले आपको चित्र को देखना है और वाक्यों को पूरा करना है। एक उदाहरण देखिए पहले आप, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है। चेक, चेक का मीनिंग होता है बुक, पुस्तक। चेक इम्निका,
क्या यह एक पुस्तक है? क्या यह पुस्तक है? आंसर आया छेक इम्निदा, ये एक पुस्तक है। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में इम्निका इम्निदा जोड़ के संज्ञा के साथ में आपको अब प्रैक्टिस शुरू करनी है। पहला उदाहरण देखिए आप। प्रश्न है सागवा इम्निका, उत्तर है सागवा इम्निदा। दूसरा उदाहरण देखिए, सामोसा इम्निका, समोसा इम्निदा। और देखते हैं आगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस इम्निका इम्निदा याद रखिए और नाउंस याद रखिए। तीसरा उदाहरण देखिए, घड़ी की तस्वीर बनी हुई है यहाँ पर, और प्रश्न है घड़ी को बोला जाता है शीगे कोरियन में, शीगे इम्निका ने शीगे इम्निदा, ने का मीनिंग होता है यस, हाँ। अब आप मेरे साथ में उच्चारण कीजिए, बोलिए शीगे इम्निका ने शीगे इम्निदा। वेरी गुड, ऐसे उच्चारण करते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उच्चारण भी ठीक हो जाएगा। नंबर फोर देखिए अब आप, उसान इम्निका, उसान इम्निका ने उसान इम्निदा। अब 5 नंबर से है ना, आपको जो है खुद आंसर लिखने हैं, उत्तर खुद लिखने हैं। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न है खाबांग इम्निका, खाबांग इम्निका ने, अब इसका उत्तर लिखिए, खाबांग इम्निका का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन है क्या ये बैग है, और पिक्चर को, चित्र को देखिए, ये बैग ही है। अब कैसे आंसर देंगे अब आप? बहुत आसान है, उसी नाउन के साथ में इम्निदा जोड़ दीजिए और अपना आंसर अब आप लिखिए। नंबर सिक्स पर आइए आप, कोंग छेक इम्निका, कोंग छेक इम्निका ने, उत्तर लिखिए अब आप। स्पेलिंग्स को ध्यान से देखिएगा, गलती ना हो। नंबर सात पर चलते हैं हम। नंबर सात का जो प्रश्न है वो है लादियो इम्निका, लादियो इम्निका, क्या ये रेडियो है? पिक्चर को देखिए, हाँ ये रेडियो ही है। अब कैसे लिखेंगे आंसर? अब सोचिए और लिखिए यहाँ पर। हाँ, लिखने के बाद में नंबर आठ पर आइए। अब देखिए ये जो चित्र है ना, ये एक डॉक्टर का है, और प्रश्न क्या है? हाक्सेंग इम्निका, हाक्सेंग का मीनिंग होता है छात्र, अब ये छात्र तो नहीं है। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है हाक्सेंग इम्निका, क्या वह एक छात्र है? नहीं, ये छात्र तो नहीं है, तो डॉक्टर है, तो कैसे आंसर लिखेंगे? आंसर लिखा जाएगा, फर्स्ट आपको लिखना है आनियो, आनियो, आनियो का मीनिंग होता है नो, नहीं। अब आप कैसे लिखेंगे? ये डॉक्टर है, डॉक्टर की जो वोकैबुलरी है वो आपकी स्क्रीन पर दी हुई है, देखिए इसको, इसके साथ में क्या जोड़ना है उत्तर देने के लिए, दोनों को जोड़ के यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए, लिखते रहिएगा। नंबर नौ पर चलिए, हाक्यो इम्निका, हाक्यो इम्निका ने, उत्तर लिखिए नंबर नौ का भी। और उसके बाद नंबर दस देखिए, सागवा इम्निका, सागवा आप जानते हैं सेब होता है, अब देखिए ये सेब तो नहीं है, कैसे आंसर लिखेंगे? आनियो लिखिए आंसर। और ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का जो कोरियन वर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नीचे बॉक्स में, स्पेलिंग को लेके और उसके साथ में क्या जोड़ना है वो लिखिए और सेंटेंस को कंप्लीट करिए। अब उत्तर लिखने के बाद में आप देखिए यहाँ पर, खाबांग इम्निका,
ने खाबान इम्निदा, ने खाबान इम्निदा, ऐसे आपको लिखना है आंसर। नंबर छह देखिए, कोंचेक इम्निका, ने कोंचेक इम्निदा। नंबर सेवन देखिए, लादियो इम्निका, ने लादियो इम्निदा। नंबर एट, हक्सेंग इम्निका आनियो, पुईसा इम्निदा, पुईसा इम्निदा। नंबर नौ देखिए आप, प्रश्न है, अपने उत्तर मैच करते रहिए, स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है, देखते रहिए। हक्यो इम्निका, ने हक्यो इम्निदा। नंबर टेन, सागवा इम्निका आनियो, तालगी इम्निदा। हाँ, ये एक स्ट्रॉबेरी है, कैसे लिखना है आप, आपने को वोकैबुलरी पहले बता दी गई थी। यहाँ तक आप अपने उत्तरों को चेक कीजिए, जहाँ पर गलती हुई है, नहीं समझ में आया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी ग्रामर है, पहली ग्रामर पढ़ाई जाती है ये, क्योंकि पहले हमें यही बोलना था, आई एम ए स्टूडेंट, ही इज ए टीचर, दिस इज अ डेस्क, यूरोबन, तो वहाँ पर ईदा से ही कोरियन की जर्नी जो होती है व्याकरण की, सेंटेंस बनाने की शुरू होती है। यहीं से हम अपनी बातचीत को अब शुरू करते हैं। आगे देखिए, ग्रामर ईदा को एक बारी समराइज कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोरियन व्याकरण के ना ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर वो शुरू में ही क्लियर हो गए तो आगे बहुत आसान रहेगा। पहला पॉइंट क्या है, केवल संज्ञा के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा, समान हिंदी अर्थ है, हूं, होना है। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए इम्निका जोड़ा जाएगा। जिन वाक्यों से हम उत्तर देते हैं, घोषणात्मक होते हैं, उनमें इम्निदा जोड़ा जाएगा संज्ञा के साथ में। और संज्ञा स्वर या व्यंजन में, दोनों दोनों ही उसमें अगर समाप्त होती है, स्वर में या व्यंजन में, दोनों ही परिस्थितियों में क्या जोड़ा जाएगा, प्रश्नवाचक के लिए इम्निका, पाच्छिम है या नहीं है डजेंट मैटर यूरोबन, आपको देखना ही नहीं है पाच्छिम को, बस सीधा इम्निका जोड़ दीजिए प्रश्न पूछने के लिए, और उत्तर देने के लिए इम्निदा जोड़ दीजिए, बस ये ग्रामर हो गई कंप्लीट। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो एक दो बारी और सुनिएगा, नए कंसेप्ट है, पहली ग्रामर है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोरियन जानते भी होंगे, वो बोलेंगे कि हमने तो ईएयो और येयो ग्रामर पढ़ी है सेम वाक्यों के लिए, तो ये ईदा क्यों पढ़ा है, ये ईदा कहाँ से आ गया। देखिए, ईदा जो है ना, एक फॉर्मल एंडिंग है, औपचारिक वाक्यों के लिए यूज करा जाता है, और उसी का जो सिमिलर जो ग्रामर है, ईएयो और येयो है, जो इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज करा जाता है या सेमी फॉर्मल सिचुएशंस में यूज करा जाता है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। आप बोल सकते हैं ईदा को यूज करके हक्सेंग इम्निदा और हक्सेंग ईएयो, दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ, लेकिन जब इसका कंजुगेशन होगा, संयोजन होगा, तो इसमें ईएयो और येयो में पाच्छिम के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट होगा, ये आगे हम पढ़ेंगे, आज नहीं, बस आज आप इतना समझ लीजिए, ईदा और ईएयो स्लैश येयो वन-टू-वन रिप्लेसेबल है। और दूसरा आप देखिए पॉइंट, आप शुरू में जब आपने शुरू करा था, एक सेंटेंस बनाया था, इम्निदा छोनन ईशानी इम्निदा, आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये स्पेलिंग तो इपनिदा है, इपनिदा है, इप इप इप, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लेकिन इसको इम्निदा इम्निदा क्यों बोला जा रहा है बार बार। देखिए, ये उच्चारण के नियम है, हम हर पाठ के अंदर एक उच्चारण का नियम पढ़ेंगे और इनको आपको रटना पड़ेगा, रट लीजिए, कोई बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक लिस्ट बना लीजिएगा अपने नोट्स में। अब ये इप निदा क्यों इम निदा पढ़ा गया, उसका नियम यहां पर है, किसी भी वर्ड में
पाच्छिम अगर पा आ रहा है, आप जानते हैं इसके पाच्छिम, इस जो जो व्यंजन है इसकी दो ध्वनियां हैं पा और बा, उससे आपको उसको छोड़ दीजिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर पाच्छिम पोजीशन पे पा आ रहा है और उसके नेक्स्ट वाले सिलेबल में ना आ रहा है, तो इस पाच्छिम पा की साउंड मा में बदल जाती है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ये सारे शब्दों में ऐसे ही होगा। अंतिम व्यंजन पाच्छिम यदि पा है और उसके बाद ना आ रहा है, तो पा पाच्छिम का उच्चारण मा में बदल जाता है। इसीलिए इप निदा को इम निदा बोला जाता है, खमसा हप निदा को खमसा हम निदा बोला जाता है। जी हाँ, अब आप इसको रट लीजिएगा आज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। ये सवाल को बहुत पूछते हैं छात्र, बहुत ज्यादा। सॉरी, ये स्पेलिंग तो इपनिदा है, आप इमनिदा क्यों बोल रहे हैं इतनी देर से? ये नियम है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। पाठ 17 में मिलेंगे, उसमें हम व्याकरण शुरू करेंगे। उन नुन विषय सूचक चिन्हक है, ये विषय को दिखाता है। उन और नुन रिविजन करते रहिएगा, कोरियन बहुत आसान भाषा है, मुश्किल नहीं है। हाँ, रिविजन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बहुत बोलना पड़ेगा, आसान हो जाएगी भाषा। थैंक यू योरोबुन। खमसा हम निदा, अब आप यहाँ पर भी देख लीजिए, खमसा हम निदा में खमसा हप निदा तो स्पेलिंग है, क्यों हम निदा बोला जा रहा है? वही सेम नियम है, पा पाच्छिम के बाद में अगर ना आ रहा है तो पा की ध्वनि मा में बदल जाती है। यस, शुभाशस्व निदा योरोबुन। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाए। अन्योंगी खेसे हो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, लेसन 17 में मिलेंगे। अन्योंगी खेसे हो योरोबुन।